गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संस्था के बारे में चर्चा करेंगे। सार्क देखिए जो ये जो संस्था है दिसंबर 1985 में दक्षिण एशियाई देशों जो भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव द्वारा बनाई गई थी। अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में हुए सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसके 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप संघ, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। और सार्क का 16वां शिखर सम्मेलन जो है वो भूटान में टिम्फू में अप्रैल 2010 में हुआ। इस सम्मेलन से एक साकार परिणाम यह था कि 8 सदस्य देश सेवाओं में व्यापार पर समझौते पर पहुंचे, जिससे संचार, कंप्यूटर और सुरक्षा, सूचना सेवाएं, हवाई परिवहन, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को तेज किया जा सकता था। और सार्क का 17वां जो शिखर सम्मेलन है नवंबर 2011 में मालदीव में हुआ। इस सम्मेलन ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्ता समझौते को जो संवेदनशील जो सूची को घटाने और गैर प्रशर्त बाधाओं के जल्दी हल करने के लिए था, उसे पूरी तरह और प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए प्रयत्नों को तेज करने की आवश्यकता पर बल देता था। और फिर सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन काठमांडू में नवंबर 2014 में हुआ। सम्मेलन के अंत में 36 सूत्रीय काठमांडू घोषणा में परियोजना आधारित सहयोग को पहल देना, क्षेत्र में मुक्त व्यापार की प्रक्रिया शुरू करना, सहयोग के स्वीकृत क्षेत्रों में क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय परियोजनाओं को आरंभ करना, सार्क विकास कोष को सशक्त बनाना, निर्धनता उन्मूलन के संबंध में सार्क कार्ययोजना को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना, सड़क, रेल, जलमार्ग के क्षेत्रीय संपर्कों को बढ़ाना, ऊर्जा ग्रिड संचार संबंधों को दृढ़ बनाना, आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावपूर्ण सहयोग, सार्वजनिक निजी भागीदारी को उत्साहित करना आदि प्रमुख तत्व थे। और फिर सार्क का जो 19वां जो शिखर सम्मेलन है वो 2016 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना तय था, परंतु पाकिस्तान द्वारा पड़ोसी देशों में आतंकी क्रियाओं में संलिप्त होने के कारण यह सम्मेलन नहीं हो सका। अब देखिए इस जो ये जो आपका सार्क जो है इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। सार्क ने सामूहिक भौतिक और जन संसाधनों के प्रयोग के द्वारा क्षेत्र के देशों के तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास का मूल उद्देश्य को अपने सामने रखा है। और सबसे पहला जो है सार्क देखिए चार्टर की धारा 1 में निर्धारित इस संस्थान के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं: दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण में वृद्धि और उनके जीवन की क्वालिटी में सुधार करना, फिर क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को सम्मान से रहने और अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करने का अवसर दिलाना, दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना और इसे मजबूत करना, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए पारस्परिक विश्वास में सहयोग में योगदान करना, फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और परस्पर सहायता की प्रेरणा देना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करना और सांझे हित के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपस में सहयोग को सुदृढ़ करना, समान लक्ष्य और उद्देश्य रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के साथ सहयोग को प्रोत्साहन देना। और इसके जो नियम या जो प्रिंसिपल्स हैं सार्क चार्टर की धारा 2 में जो है कुछ नियम बताए गए हैं। और सबसे पहला है संस्था के ढांचे में सहयोग जो है प्रभु सत्तात्मक समानता का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और परस्पर लाभ के नियमों पर आधारित होगा। फिर संस्था के सदस्यों में सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का प्रतिस्थापक नहीं बल्कि उनका पूरक होगा। फिर सदस्य राष्ट्रों में सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जिम्मेदारियों के साथ असंगत नहीं होगा। और इसका जो संगठन है सार्क के संगठन में शिखर जो है
सार्क सचिवालय, मंत्रियों की परिषद, स्थायी समिति, तकनीकी समिति, ये सब शामिल हैं। का अगर हम मूल्यांकन करें तो देखिए, सार्क एक ऐसा व्यापार संगठन है जो संसार के कुछ सबसे निर्धन देशों के द्वारा बनाया गया है। इसका मूल उद्देश्य दक्षिण एशिया का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, पहले भी मैंने आपको बताया है। और सार्क के 5 सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं। भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान भूमि से घिरे लैंडलॉक्ड देश हैं। वे विश्व बाजार तक केवल अन्य देशों के बंदरगाहों से पहुंच सकते हैं। भारत के अन्य सार्क देशों को निर्यात जो है वो 2013-14 में 105 करोड़ रुपए के लगभग था, जबकि उन देशों से इसका आयात 1493 जो है करोड़ रुपए का था। इन देशों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार सार्क राष्ट्रों के कुल व्यापार का केवल 5% है। यह स्पष्ट है कि देखिए, इन देशों में इंट्रा जो रीजनल ट्रेड है को फैलाने की संभावना काफी अधिक है। और कुछ स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि यदि यदि सदस्य देश एक पूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के बारे में एक एफटीए तैयार कर लेते हैं और आवश्यक आधारभूत ढांचा तथा संचार संबंध पैदा कर लेते हैं, तो क्षेत्रीय व्यापार के बढ़कर 120 या 180 180 बिलियन डॉलर तक हो जाने की संभावना है। फिर विश्व व्यापार विकास के केंद्र सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है एक, उसके अनुसार जो साप्ताह मध्यम वर्ग श्रेणी के 425 मिलियन से अधिक लोगों के उपभोक्ताओं को पहुंचता है और क्षेत्र के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकासशील बिंदुओं के तीव्र विस्तार की आज्ञा देता है। और जो अचीवमेंट्स हैं सार्क के वो हम देख लेते हैं। यद्यपि सार्क अपने जन्म से ही गंभीर राजनीतिक समस्याओं से घिरा है, फिर भी कुछ उपलब्धियां हैं इसकी। सबसे पहली है व्यापार प्रतिबंधों को हटाना, रिमूवल ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। सदस्य देशों ने एक दूसरे से आयातों पर मात्रात्मक नियंत्रणों को हटाने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं और व्यापार पर कुछ रियायतें भी दी हैं। अगस्त 1998 से भारत ने सदस्य देशों से आयात की लगभग 2300 मदों पर से मात्रात्मक नियंत्रण हटाए हैं। और नेक्स्ट है तकनीकी समितियों की स्थापना, इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल कमिटी। सदस्य देशों में कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, संचार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी समितियों की स्थापना की गई है। फिर निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। सार्क ने देखिए सामाजिक एकत्रीकरण, विकेंद्रीकरण, कृषि विकास, विकेंद्रीकृत कृषि विकास, छोटे श्रम ग्रहण उद्योग और मानवीय विकास की रणनीति को अपनाया है और काम के अधिकार और निर्धन लोगों को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की पहल दी गई है। सार्क ने निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के संबंध में सदस्य देशों में सूचना के आदान प्रदान के लिए 3 परतों से युक्त प्रणाली पैदा की है। इस संबंध में आईबीआरडी, यूएनडीपी और एस्केप से सहयोग प्राप्त हुआ है। फिर सार्क के कोष, देखिए सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देने के लिए सार्क ने 2 कोष स्थापित किए हैं, दक्षिण एशियाई विकास कोष एसएडीएफ और सार्क जापान विशेष कोष एसजेएसएफ। एसएडीएफ की 3 खिड़कियां हैं, विकास प्रोजेक्ट की पहचान के लिए खिड़की, संस्थानात्मक और मानवीय संसाधन विकास के लिए खिड़की और सामाजिक और मूलभूत ढांचे के विकास के लिए खिड़की। सार्क खाद्य सुरक्षा, सार्क फूड सिक्योरिटी, देखिए सार्क ने सार्क खाद्यान्न फूड सिक्योरिटी बोर्ड की स्थापना क्षेत्र में समय समय पर अनाज की स्थिति की समीक्षा करने के लिए की है। खाद्यान्न का 2.42 लाख टन का भंडार सदस्य देशों में किसी आपातकालीन स्थिति पर काबू करने के लिए बनाया गया है। और अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में हुए 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में अनाज की कमी और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए क्षेत्रीय अनाज बैंक की स्थापना करने की इच्छा प्रकट की गई है। और सार्क चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, देखिए सार्क चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी भी स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय कराची में है। इसका उद्देश्य है व्यापार को प्रोत्साहन देना। 8 सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग के चैंबरों में परस्पर क्रिया
शुरू करना, व्यापारिक मेलों की व्यवस्था करना और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार के लिए अन्य व्यापारिक संगठनों से बातचीत करना। फिर है सार्क एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन सेंटर, सार्क कृषि सूचना केंद्र। देखिए इसकी स्थापना 1998 में की गई। यह कृषि से संबंधित क्रियाओं जैसे वन, मछली पालन, चावल, आलू, पशुओं इत्यादि से संबंध में केंद्रीय सूचना संस्था के रूप में कार्य करती है। यह सदस्य देश में अनुसंधान और विकास की क्रियाओं के बारे में सूचना के आदान प्रदान में भी सहायता करता है। खेती से संबंधित खोज और प्रयोगों के बारे में सूचना द्वारा सैक द्वारा प्रकाशित की जाती है और सदस्य देशों में वितरित की जाती है। फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते, सार्क एग्रीमेंट्स विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डन। सार्क ने देखिए देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे अंकटाड, यूएनडीपी, एस्केप, आईटीयू और एशिया प्रशांत टैली जो है कम्युनिटी है, इसके साथ समझौते किए हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रेंगल, सागो जिसे हम कहते हैं, दक्षिण एशियाई विकास चतुर्भुज। देखिए इसमें सन 2000 के आरंभ में भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश ने दक्षिण एशियाई विकास चतुर्भुज SAGQ बनाया, जिसका उद्देश्य इन देशों के विकास को प्रेरणा देना था। इस क्षेत्र के देश बहुपक्षीय परिवहन और दूरसंचार, पर्यटन के प्रभावपूर्ण प्रयोग, पर्यावरण संबंधी खतरों से बचाव और व्यापार तथा निवेश के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। फिर बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिण एशियाई बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे हम कहते हैं, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की उत्पत्ति की ओर बढ़ने के लिए क्षेत्र के कुछ देशों ने बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। और इस संबंध में एक प्रमुख घटना भारत और श्रीलंका के बीच 28 दिसंबर 1998 को किया गया समझौता है। इस समझौते के अंतर्गत भारत श्रीलंका से 1000 मदों को शुल्क मुक्त आयात करेगा और श्रीलंका भारत से 900 मदों का शुल्क मुक्त आयात करेगा। इस प्रकार के समझौते भारत ने भूटान और नेपाल के साथ भी किए हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, यद्यपि देखिए सार्क की, यद्यपि सार्क ने समय बीतने के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत कुछ गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और अभी तक यह अपनी निर्दिष्ट भूमिका नहीं निभा सका है। और सबसे पहला है राजनीतिक, जाति और धार्मिक झगड़े, पॉलिटिकल, एथनिक एंड रिलीजियस डिस्प्यूट्स। सार्क के सदस्य के सहयोग में प्रमुख रोग सदस्य देशों में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक, जातीय और धार्मिक झगड़े हैं। पाकिस्तान इस जिद पर अड़ा हुआ है कि व्यापार तथा सामाजिक और आर्थिक विकास के अन्य विषयों में सहयोग तब तक संभव नहीं होगा जब तक भारत जम्मू कश्मीर राज्य को उसके हवाले नहीं कर देता। और पूरकता की कमी है, फिर लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। सार्क के सदस्य देश अधिकतर एक ही प्रकार के उत्पादों की को पैदा करते हैं। सफल एकीकरण के लिए उत्पादन में समानता की बजाय असमानता की आवश्यकता है। इन देशों के अर्थव्यवस्थाओं में पूरकता की कमी का उनके आपसी सहयोग पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव है। फिर है दृढ़ करेंसी क्षेत्रों के साथ व्यापार को तरजीह, प्रेफरेंस टू ट्रेड विद हार्ड करेंसी एरियाज। सार्क के कुछ सदस्य देश दृढ़ करेंसी क्षेत्रों को अपने निर्यात बढ़ाने को तरजीह देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सार्क देशों में अंतर क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार प्राय उपेक्षा की जाती रही है। और फिर भुगतान शेष में घाटा, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। भारत समेत सार्क देशों को निरंतर भुगतान शेष के घाटे की समस्या और इसके परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय में की कमी का सामना करना पड़ा है और उनका प्राय चुकाव प्रशुल्क और अन्य नियंत्रणों से आयात में कमी लाने का है और इन आयात नियंत्रणों को समाप्त करने का नहीं। और आपस में प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन अमंग देमसेल्व्स। कुछ सदस्य देशों में कुछ उत्पादों के निर्यात में अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता है। उदाहरण के लिए देखिए भारत और श्रीलंका में चाय के निर्यात में प्रतियोगिता है। पाकिस्तान और भारत में सूती कपड़े और सिले हुए कपड़ों के क्षेत्र में प्रतियोगिता है। पटसन के निर्यात के संबंध में भारत और बांग्लादेश में प्रतियोगिता है। इस प्रकार की स्थिति में उनमें आपसी सहयोग को धक्का पहुंचता है। फिर मूलभूत ढांचे में कमियां, इस क्षेत्र में परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज है। इस क्षेत्र में परिवहन, संचार, संस्थानात्मक व्यवस्थाओं और भुगतान तथा समाशोधन व्यवस्था में उचित विकास का अभाव है। सदस्य देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में यह एक प्रमुख रुकावट है। फिर बड़े भाई की भावना,
बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स भारत के बड़े भौगोलिक आकार, प्राकृतिक, वित्तीय, तकनीकी और जनशक्ति संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत को ऐसे बड़े भाई की दृष्टि से देखते हैं जो अपने उत्पादों से उनके बाजारों पर छा जाएगा। भारत को सार्क के सदस्य देशों में ऐसी भावना का ज्ञान है और इसी कारण वह क्षेत्र के अन्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में पूरे सहयोग नहीं दे पा रहा है। और कम अंतर क्षेत्रीय निवेश, लो इंट्रा रीजनल इन्वेस्टमेंट, सार्क के सदस्य देश पूंजी संसाधनों के लिए पश्चिम और अंतरराष्ट्रीय ऋण संस्थाओं की ओर देखते हैं और तर्कहीन कारणों से भारत से पूंजी प्राप्त करने से डरते हैं। और इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय निवेश कुल निवेश का केवल 1% है। इसकी तुलना में एशियान में 43% निवेश और EU में 64% निवेश अंतरराष्ट्रीय है। और सदस्य देशों के निवेशकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय निवेश में वृद्धि से सार्क के सदस्य देशों में विभिन्न क्षेत्रों में निश्चित रूप से अधिक सहयोग हो सकेगा। फिर देयर इज बायलैटरल प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट, दो पक्षीय अधिमानी व्यवस्था है। सार्क के कुछ सदस्य देशों ने व्यापार रियायतें देने के संबंध में दो पक्षीय समझौते किए हैं। कुछ हालतों में ये रियायतें साप्ताह के अंतर्गत दी गई है, रियायतों से भी अधिक है। और परिणाम स्वरूप सदस्य देश में साप्ताह के परिणामों कि अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा करते रहने का कोई अतिरिक्त आकर्षण नहीं है। फिर उत्पाद दर उत्पाद दृष्टिकोण, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट अप्रोच, सार्क वार्ता में अभी तक कम प्रगति के कारण का कारण सदस्य देशों में रियायतें देने के संबंध में उत्पाद दर उत्पाद का दृष्टिकोण है। व्यापार रियायतों की सूचियों में शामिल कुछ उत्पादों का वास्तव में सदस्य देशों में व्यापार नहीं होता। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की ओर उठाया गया कदम तभी आगे बढ़ सकता है यदि सदस्य देश व्यापार रियायतें देने में उत्पाद आधारित दृष्टिकोण की बजाय क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाएं। परिवहन कठिनाइयां, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, यद्यपि सदस्य देशों ने परिवहन के संबंध में तकनीकी समिति बनाई है, फिर भी क्षेत्र में परिवहन साधनों का विकास कम है। ट्रांजिट शुल्क भी काफी ऊंचे हैं, साफ्ता के निर्माण में यह एक प्रमुख रुकावट है। फिर व्यापार बाधाएं, ट्रेड बैरियर, सदस्य देश में लंबी वार्ताओं के बाद भी कई वस्तुओं पर ऊंचे प्रशुल्क मौजूद है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी आयातित वस्तुओं पर वैट लगाते हैं। सभी सदस्य देश मात्रात्मक नियंत्रण, प्रतिरोधात्मक लाइसेंस आदि जैसे गैर प्रशुल्क बाधाओं को लागू किए हुए हैं। पाकिस्तान ने अभी तक भारत को परम मित्र राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। यद्यपि WTO समझौते के अनुसार 2005 तक ऐसा करना अनिवार्य था। जब तक देश व्यापार बाधाओं को हटाने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक साफ्ता के निर्माण का उद्देश्य केवल एक मृत तृष्णा ही रहेगा। थैंक यू।